नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कहते हैं हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल बड़ी नहीं होती। एक ऐसी ही शख्सियत से आज रूबरू होने का मौका मिला। अमृतसर के तूफान सिंह जी, जो कि साइकिल से मुंबई, कर्नाटका, दिल्ली, पंजाब जा चुके हैं। खास बात यह है कि इनका एक पैर आर्टिफिशियल है। पेश है खास बातचीत, पप्पू वर्मा की रिपोर्ट। दोस्तों, कहते हैं जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती है, और इसी को दर्शाते हुए हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं जिन्होंने साइकिल से बहुत सारी यात्राएं पूरी की हैं। और दोस्तों, देख सकते हो इसमें जो है साइकिल में इन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं, और उसके अलावा वीआईपी हूटर भी है, जो अभी मैं आपको उनसे बजवा के सुनाऊंगा जैसा देख रहे हैं। और दोस्तों, इसमें एसी है, एसी का सिस्टम भी लगा रखा है साइकिल में उस्ताद जी ने। और अभी सारे अपने व्यूअर को, तेजस 24 न्यूज़ के व्यूअर को अभी सर से एक्सक्लूसिव बात करवाएंगे। तो सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, आपका नाम, शुभ नाम क्या है? आपके सामने जी तूफान सिंह जी। तूफान सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। अमृतसर से हैं? रामदास की नगरी। जी जी, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे मतलब साइकिल से यात्रा करनी है, और इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो आपने लगा रखी हैं, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं साइकिल को, मतलब रात में चलाते हैं, दिन में चलाते हैं, अभी कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अभी आपके सामने तूफान सिंह जी, जो कलगी पातशाह की कृपा के नाल सतगुर होटा से नाल तखत सचखंड श्री हर हजूर साहब तो चल के एंड सचखंड श्री बिदर साहब गुरद्वारा होंगे ताई दी उन्हें होंगे ताई दी गुरद्वारा एंड बंबई शहर तो होंगे ताई दी गुरद्वारा नानक चीरा तो चल के सीधे गुरद्वारा चादर साहब, जो गुजरात के धन गुरु नानक साहब का चादर साहब के दर्शन करते हो पूरा एंड दिल्ली पहुँच गए हाँ। दिल्लियों श्री आनंदपुर साहब जी का दर्शन करके फिर परत के श्री हरिमंदर साहब गोल्डन टेंपल पहुँचागे। अमृतसर तो दर्शन करके फिर पूरे पांच तखत साहब की यात्रा एक गुरु साहब की कृपा नाल सहगर राही करते हैं। आपके बॉम्बे शहर के अंदर साढ़े ने बहुत मुश्किल आदि किसी टाइम देते बॉम्बे शहर के अंदर साढ़ा कोई ऐसा भाणा वरत गया सी, जब उपर सू एक ब्रिज लग रहा है, वो ब्रिज तो क्रॉसिंग करने सू रस्ता भी नहीं मिल रहा, रस्ता नहीं मिल रहा, सिंगल नहीं सगा उ असी मन के की सोचा कि इस रेलवे नीचे पटरी आ रही है, असी सैकल नू पटरी सा ही पार कर लें उठा के। एक मिनट सर, रोकना चाहूँगा, मतलब आप ये बता रहे हैं कि मुंबई में आपके साथ एक हादसा हुआ जी, वो भी रेलवे क्रॉस करते समय जी, जिसमें आपका एक पैर आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।